दूसरा जगह यहाँ पर ना, यहाँ पर कोई आए नहीं, कुर्सी लगवाते हैं, किराया दिया इसका, आएंगे कैसे नहीं नहीं अरे आने में जिनके लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं सागर जी, पहले हम उनके लिए एक जय घोष करते हैं। मैं कहूँगा जय भीम, आप कहेंगे अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरे साथियों, हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि बहुजन समाज, मूल निवासी समाज एक परिवार है, तब तक ये समस्याएं हमें घेरती रहेंगी। लेकिन जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि ये बहुजन समाज, ये मूल निवासी समाज एक जिस्म है, एक परिवार है, और एक इसके अंदर एक ही तरह का ब्लड बहता है, और हमारा रिश्ता पहला रिश्ता ब्लड का है, कि हम भारत के मूल निवासी हैं, हम भारत ही के रहने वाले हैं, हम विदेशी नहीं हैं। इसलिए विदेशी भले ही कितना ड्रामा करे और कितने भी उधम मचाए, हम इस देश को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस देश के अंदर हमारे पूर्वजों का, इस भारत की भूमि के अंदर और इस भारत की धरती के अंदर हमारे पूर्वजों का एक खून के कतरे बहे हैं और इसमें पिवस्त हुए हैं। इस धरती के अंदर, इस आजादी के अंदर हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपना खून बहाया है, बलिदान दिया है। तो मेरे साथियों, हम ये कहा करते हैं कि एक दे हमारा देश गुलाम था। मेरा अपना विचार है कि शायद अगर 1 जनवरी 1818 हीरा गोरा गांव का हादसा नहीं हुआ होता, तो शायद ये देश आजाद भी नहीं होता। क्योंकि 1 जनवरी 1858 में, 1818 को जब जुल्म की घटाएं इस देश के ऊपर बढ़ा रही थी, और वो घटाएं भी ऐसी थी कि घनघोर काली घटाएं थी, बिजली तड़क रही थी, इंसानियत का चूरा कर दिया गया था। इंसान तो बहुत दूर की बात है, जानवर से भी बदतर नीचे पहुंचा दिया गया था। कभी कभी सोच सकता है इंसान कि उसके पीछे झाड़ू लगा दी जाए या उसके गले में हांडी लटका दी जाए, लेकिन वो घनघोर अत्याचार, वो सुर जिसको वो आसमान भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था, उसे हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे। उसके विरोध में जब 1 जनवरी 1818 को संग्राम हुआ, जिसका आज भी वहां स्तंभ लगा हुआ है हीराकोरा गांव में, मैं फर्जी बात नहीं कर रहा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद वो केस अंग्रेज की अदालत में गया, क्योंकि टाइम कम है इसलिए बोलना ज्यादा नहीं है, इसलिए इशारे में सारे लोग समझदार बैठे हुए हैं, मुझसे ज्यादा काबिल है, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा समझदार है, मुझसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले हैं, लेकिन इशारा समझते हैं सब लोग। तो जब अंग्रेज की अदालत में गया, तो अंग्रेज ने केस सुना, हमारे लोगों ने कहा कि हमने इस तरह से, हमारे साथ इन्होंने अत्याचार किया था, हमारे पीछे झाड़ू लगा दी गई थी, हमारे गले में हंडिया लटका दी गई थी, और जिस तालाब के अंदर कुत्ता पानी पीता है उस तालाब के किनारे पर भी हमें खड़े होने का अधिकार नहीं था। अंग्रेज इंसाफ परस्त था, अंग्रेज ने कहा ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, इन्होंने कोई जुल्म नहीं करा। उसके बाद देश की आजादी का बिगड़ा शुरू हुआ कि अब अंग्रेज को भगाओ। मेरे साथियों, मैं शॉर्ट कट बता रहे हैं कि हम लोग सब चिल्लाते हैं कि आजादी मिलनी चाहिए, किस चीज से? मनोवाद से, अत्याचार से, जुल्मों से, इस अन्याय से। हरेक की आवाज है कि इनसे आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन कभी हमने सोचा आजादी के लिए बलिदान देना पड़ता है? मैं एक शेर के साथ और एक वाक्य के साथ आप अपनी बात खत्म करता हूं। हमने चाहा ही नहीं, सच्चाई यह है, हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे और मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। जब तक बहुजन समाज का ये मिजाज नहीं बनेगा, ये जहन नहीं बनेगा, विचारधारा नहीं बनेगी कि मेरे बहुजन समाज का आदमी अगर कन्याकुमारी में तकलीफ में मुब्तला है, तकलीफ में पीड़ित है,
उसे परेशानी है तो उसके पसीने पर जब तक उसकी तकलीफ का कन्याकुमारी में अगर है तो तब तक कश्मीर में रहने वाला बहुजन समाज का आदमी उसके पैसाने पर पसीना नहीं आएगा, उसके गम की वजह से, उसके दुख की वजह से, जब तक ये सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए ये मेहनत की जा रही है कि हम सब लोग अपने आप को ये समझें कि बहुजन समाज एक परिवार है और आजादी का बेहतरीन फंडा है, हमसे बड़े बड़े कुर्बानी देने वाले लोग हैं। एक साहब गांव में रहते थे और एक तोता पिंजरे में बंद था, लेकिन तोता जो पिंजरे में बंद था वो सोने का पिंजरा था और उससे तरह तरह के फ्रूट्स, तरह तरह की गिजाएं, जो खाने की बेहतरीन जो जंगल में नहीं मिलती वो भी दी जाती थी, लेकिन वो पिंजरे में बंद था, कैद था वो, आजादी नहीं थी। खाने को मिलता था, सोने के पिंजरे में था, सोने का पिंजरा हवा में नहीं मिलता लेकिन उसे मिल रहा था, लेकिन आजादी नहीं थी। तो मेरे साथियों, एक दिन उसका मालिक एक गांव में चला, उस तोते ने कहा कि मालिक मेरी आपसे एक विनती है। उन्होंने क्या है, क्योंकि तोता बोलना जानता, मैंने देखा मेरे पास एक तोता था आदमी की तरह से साफ बोलता था। तो उसने कहा कि क्या विनती है, कि मेरे मालिक एक मेरी विनती है कि फला गांव में जा रहे हो आप, कि जी हाँ जा रहा हूँ, कि वहां एक पेड़ है, दरख्त है और उसमें एक खो है, गड्ढा बना हुआ, उसमें एक तोता मिलेगा आपको, बुजुर्ग तोता, मेरे सो मुझसे मेरा उससे ही एक सलाम कहना और इस तरह से कहना, एक सोने के पिंजरे में कैदी तोते का सलाम। वो गया, उसने वहां अपना काम पूरा किया, वापस लौटने लगा। जब वापस लौटने लगा तो उसको बात याद आई अपने तोते की, उसने खो की तरफ को देखा तो एक तोता जो था बूढ़ा तोता वहां बैठा हुआ था। उसने उसे आवाज लगाई और ये कहा कि तुम्हें एक कैदी तोते के का सलाम। इतना सुनते ही उसने मुड़िया लटका दी, मरे समान हो गया। तोता एक्टिंग करनी बहुत अच्छी जानता है। अब वो मालिक परेशान हो गया, यार इसने ये बात सुनती, इसने मुड़िया लटका दी। वो वापस चला आया, जब वो घर आया तो उस तोते ने विनती करी, ए मेरे मालिक, मैंने आपको कुछ कहा था क्या, मेरे बुजुर्ग तोते को सलाम कहा आपने? उन्होंने कहा कहा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जैसे ही मैंने उससे कहा वैसे ही उसने मुड़िया लटका ली और उमर गया। जैसे ही उसने ये बात कही, उस कैदी तोते ने अपनी मुड़िया लटका ली और वो भी ऐसे ही हो गया जैसे मर गया। उसे गुस्सा आया, उसने कहा ये क्या माजरा है, इसने भी मुड़िया लटका ली। उसने उसे निकाला और निकाल कर डस्टबिन में फेंका, जैसे ही डस्टबिन में फेंका वो पंख फड़वा रहा था, मुड़ेरी पर चढ़ गया। उसने बड़े हैरत से कहा उस मालिक ने कि भाई ये क्या माजरा है। उसने कहा मेरे बुजुर्ग तोते ने, मेरे बड़ों ने एक तालीम दी थी, मुझे शिक्षा दी थी कि बिना मरे आजादी नहीं मिलती, क्योंकि वो मर के दिखाया था उन्होंने, मैंने भी मरने की एक्टिंग करी और मुझे आजादी मिल गई। तो एक्टिंग करने में आजादी मिल सकती है, तो हम जब हम मरने के लिए तैयार होंगे तो क्या नहीं हो सकता। इसी के लिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान और जय बाबा भीमराव अम्बेडकर और जितने भी हमारे महान पुरुष गुजरे हैं, सबकी जय हो। इसी के लिए मैं, कोई गुस्ताखी हो गई हो, गलती हो गई हो, माफ कर देना। जय भीम, जय भारत।